हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कंट्रोवर्स। आज हम बात करने वाले हैं टीवी इंडस्ट्री के एक ऐसे सुपरस्टार के बारे में जिन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है और हर रोल में अपने फैंस को इम्प्रेस किया है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट विवियन डिसेना, जो अभी बिग बॉस के घर में हैं और लोग उन्हें बहुत पसंद कर रहे हैं। उनकी जर्नी उज्जैन से लेकर मुंबई तक कैसी रही, कैसे उन्होंने अपने आइकॉनिक रोल से सबका दिल जीत लिया और पर्सनल लाइफ में क्या क्या ट्विस्ट और टर्न्स आए, ये सब हम इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। विवियन डिसेना का जन्म 28 जून 1988 को उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके फादर एक क्रिश्चियन हैं और मदर श्यामलता हिंदू है। विवियन के पेरेंट्स अलग रिलीजियस बैकग्राउंड से हैं, लेकिन उन्होंने बचपन से ही डाइवर्स कल्चरल वैल्यूज को समझा। विवियन ने अपना करियर एज अ मॉडल शुरू किया था, इसके बाद वो एक्टिंग फील्ड में आए। विवियन डिसेना के करियर में उनके शोज काफी सिग्निफिकेंट रहे। उन्होंने टीवी इंडस्ट्री में अपने पावरफुल रोल्स और यूनिक कैरेक्टर से अलग ही पहचान बनाई है। विवियन ने अपना टीवी डेब्यू 2008 में शो कसम से के साथ किया, जो एकता कपूर का एक पॉपुलर शो था। इस शो में उन्होंने विक्की वालिया का छोटा सा रोल प्ले किया, लेकिन ये शो उनके लिए एक स्टेपिंग स्टोन बना और उन्हें इंडस्ट्री में एक्सपोजर दिया। फिर उन्हें उनका सेकेंड शो प्यार की एक कहानी 2010 में मिला। प्यार की एक कहानी में उन्होंने अभय रायचंद का रोल प्ले किया, जो एक वैम्पायर था। ऑडियंस ने इसे बहुत पसंद किया। अभय रायचंद के रोल ने उन्हें एक हाउसहोल्ड नेम बना दिया। इस शो के बाद 2012 में उनका एक और शो आया। ये शो का नाम था मधुबाला। ये एक सुपरहिट शो बन गया था। ये शो की वजह से विवियन को घर घर में लोग जानने लगे। विवियन डिसेना और दृष्टि धामी की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को लोगों ने इमेंसली पसंद किया। विवियन का फोर्थ शो था शक्ति अस्तित्व के एहसास की, जो 2016 में एयर हुआ था। ये शो में विवियन ने हरमन सिंह का रोल प्ले किया। हरमन का कैरेक्टर एक प्रोग्रेसिव और कम्पैशनेट आदमी का था, जो सौम्य से प्यार करता था, जो कि एक इंटरसेक्स थी। शो का स्टोरी लाइन काफी यूनिक और सेंसिटिव था, जिसमें उन्होंने उनका प्यार और परिवार के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश की। ये शो ने लोगों के बीच एक अवेयरनेस और डिस्कशन क्रिएट किया सोशल इश्यूज पर, और विवियन का कैरेक्टर हारमन काफी वेल रिसीव्ड हुआ। इस रोल के लिए भी उन्होंने काफी अवार्ड्स जीते और शो ने उन्हें और भी पॉपुलैरिटी दी। ये सीरियल्स के बाद विवियन ने झलक दिखलाजा और खतरों के खिलाड़ी जैसे रियलिटी शोज भी किए। विवियन ने अपनी को स्टार वहबिस डोरेबजी से शादी की थी, जो प्यार की एक कहानी शो में उनके साथ काम कर रही थी। दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री से उनकी ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग बढ़ने लगी। उन्होंने 2013 में शादी की, लेकिन कुछ पर्सनल इश्यूज के वजह से 2017 में उनका डाइवोर्स फाइल हुआ। दोनों ने अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को प्राइवेट रखा और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ अपना रास्ता अलग किया। विवियन डिसेना ने 2019 में अपना रिलीजन चेंज करने का एक बड़ा डिसीजन लिया। 2019 में वो इस्लाम में कन्वर्ट हो गए। उन्होंने इस डिसीजन को अपनी पर्सनल चॉइस और स्पिरिचुअल अवेकनिंग बताया। इस्लाम अपनाने के कुछ टाइम बाद विवियन ने एक इजिप्टियन जर्नलिस्ट नौरान अली से शादी कर ली। उनकी एक बेटी भी है। उन्होंने इस शादी को काफी प्राइवेट रखा है। विवियन डिसेना ने बिग बॉस 18 में पार्टिसिपेट किया है और लोग उन्हें बहुत पसंद कर रहे हैं। एक एपिसोड में विवियन ने ये भी शेयर किया कि जो फैमिली मेंबर्स उन्हें कभी कॉल नहीं करते थे, वो उनके इस्लाम में कन्वर्ट होने के बाद उनके डैड को कॉल करके कहते हैं कि ये मैंने क्या कर लिया है। वो बहुत क्वेश्चंस उठाते हैं। विद दिस दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू नेक्स्ट वीडियो।